खबरें फटाफट में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के ताजा अपडेट्स पर। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा मार्ग पर आज सुबह अचानक चट्टाने गिरने से अवरुद्ध, नाको से काजा मार्ग बंद, बहाली का कार्य शुरू। 32 मील रानीताल रोड पर देर रात एक बड़ा हादसा पेश आया, कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत। अपनी मेहनत की कॉफी पीकर खुशी से गदगद हुए बुजुर्ग, बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल के किसान ने अपनी जमीन पर उगाई कॉफी की सुनाई दास्तां। जिला पुलिस नूरपुर ने नशे के खिलाफ छेड़े अभियान में बड़ी सफलता की हासिल, पुलिस के चक्रव्यूह में फंस रहा नशा माफिया, अब बचना मुश्किल। नेताजी सुभाष नर्सिंग कॉलेज पालमपुर में डांस हिमाचल डांस सीजन 9 के ऑडिशन, प्रस्तुतियां देकर होनहारों ने अपने हुनर का किया जोरदार प्रदर्शन। अब एक छत के नीचे सभी सुविधाएं, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में खुला जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र। धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में 52वीं राज्य स्तरीय पुलिस गेम्स का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया आगाज, पहली बार 5 नए गेम्स शामिल। NIT हमीरपुर में होने जा रहा सम्मेलन का आयोजन, 12 जिलों के करीब 800 छात्र व शिक्षक लेंगे भाग। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पहुंचे कुल्लू, 105 वर्षीय बुआ गंगा शर्मा का हुआ था निधन, श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। सुंदरनगर में सड़क से 70 से 80 फीट नीचे गिरने से प्रवासी मिस्त्री की मौत, मामले में जांच जारी। ऊना जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी खेल परिसर में दिव्यांग खेल प्रतियोगिता में बेहद रोचक मुकाबले, बच्चों ने किया प्रतिभा का प्रदर्शन। योजनाओं का लाभ उठाना है तो करवा ले KCC, कुल्लू में KCC की दिलचस्पी नहीं दिखा रहे पशुपालक। बिलासपुर में RDFD के नाम पर हो गई लाखों की ठगी, एक साल में FD डबल होने का दिया था झांसा, आप भी रहे सावधान। 2 दिनों से आसमान में बादल गिरने व शीतलहर की भीषण मार के बीच निरंतर बढ़ता जा रहा सर्दी का प्रकोप, आगामी दिनों में बारिश व बर्फबारी की आशंका। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में हुआ युवा उत्सव का आयोजन, शानदार प्रदर्शन कर लगा पहाड़ी नाट्यों का तड़का। अब स्कूल से ही भविष्य की राह तैयार कर लेंगे छात्र, नहीं होगी कोचिंग की चिंता, हर एक महीने होगी प्रतियोगी परीक्षाएं। खबरें फटाफट में इतना ही, बने रहें दिव्य हिमाचल TV के साथ।